गंगा सब स्वीकार करती है, प्रार्थना भी, पुण्य भी, पाप भी, राग भी, द्वेष भी, द्वंद भी, दानव भी, मानव भी, खुशहाली भी, हरियाली भी, धरती और आकाश भी। मोक्षदायिनी गंगा सब स्वीकार करती है। नाम में इतनी पवित्रता जो निश्चल मन को सुकुनी दरवाजे के पार ले जाती है। कल कल करती गंगा की आवाज कानों में संगीत सी घुलती चली जाती है। जब भी गंगा का कोई किनारा मिले तो एक पल के लिए आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और उन बंद आंखों के पीछे लहर का संगीत रूहानी इबादत से ताल्लुक करा जाता है। यही वो पल होता है जब हम गंगा को आत्मसात कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी समझ से कोसों दूर खड़े बस निहारते निहारते अपने मन के कोनों में कई कहानियां खुद ही गढ़ लेते हैं। लेकिन सदियों से कालजयी गंगा तो गंगा है, उसे समझ पाना और समझा पाना ठीक वैसी ही मुश्किल है जैसे गंगा की गहराई को नंगे पांव से नापना। गंगा एक बूंद में हो या लोटे में समाई हो, अंजुली में भरी हो या धरती की गोद में पड़ी हो, युगों युगों से बहती वो धारा है, सदियों से वो इबादती किनारा है, जिसे प्रार्थनाओं में मांगता हर बेचारा है, बस हर हर गंगे ही तो सबका सहारा है। हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास हजारों लाखों वर्षों पुराना है और इतने ही पुराने गंगा के साथ साथ वो कहानी भी है जिसकी निशानी हम सबके दिमाग में हमारी अम्मा बनाती है। घर से करीब थोड़ी ही दूर पर बांध के नीचे जो नदी बहती है वो तब तक हमारे लिए सिर्फ गड्ढे का पानी होता है जब तक हमारी अम्मा ये नहीं बता देती है कि हर रोज वो सुबह सुबह घर में क्या छिड़कती है। बचपन वाला मन, सवालों का गट्ठर, जल्दबाजी में कुछ भी जानने या कहीं भी पहुंचने की जल्दी आदत बन जाती है। और फिर एक रोज अम्मा बता देती है कि ये पानी सिर्फ पानी नहीं, वो नदी सिर्फ नदी नहीं, गंगा है। जन्म लिया तो गंगा, मृत्यु से पहले गंगा, मृत्यु के बाद गंगा, पूरा जीवन गंगा किनारे, गंगा शहर, हर सांस की आस गंगा, हर प्यासे की प्यास गंगा। गंगा के बिना इंसानी जिंदगी तो कल्पना मात्र भर है। हर सजीव बिन गंगा के निर्जीव हो जाती है। उस रोज अम्मा की बातें इतनी तो समझ आ ही गई थी कि जहां है मां गंगा का वास वहां है सभी बहुत खास। हालांकि गंगा की पौराणिक पृष्ठभूमि भी न जाने कितनी दंत कथाओं में लिपटी हुई है, मगर मौजूदा वक्त में गंगा हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री से निकलती है। जमीन से इस स्थान की ऊंचाई 3140 मीटर है, जिसके बाद लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा करके मां गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंचती है। न जाने कितनों को मोक्ष देती गंगा, यहां इंसानी जिंदगी को राख की शक्ल में मुक्ति का मार्ग दिखाती है। पानी की चादर से लगने वाली गंगा कभी कुंभ का जश्न मनाती है तो वहीं हर शाम किनारों पर आरती की घंटियों की आवाज से मन गंगा की शीतलता को हौले हौले महसूस करता है। हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा प्रयाग पहुंचती है। यहां गंगा का मिलन यमुना से होता है जिसे संगम कहा जाता है। संगम हिंदुओं के लिए पवित्र और तीर्थ है। संगम के बाद गंगा काशी पहुंचती है।
काशी में ही गंगा घाट पर इंसान देह त्याग कर मोक्ष के मार्ग पर चलना शुरू करता है और गंगा यहाँ से बहती हुई मिर्जापुर, पटना, भागलपुर होते हुए पाकुर पहुँचती है। इस बीच इसमें बहुत सी सहायक नदियाँ सोन, गंडक, सरयू, कोसी आदि मिल जाती हैं। फिर आगे बहरामपुर, वर्धमान, कोलकाता, हल्दिया होते हुए गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलकर अपनी यात्रा पूर्ण करती है। इस यात्रा के दौरान दुनिया में गंगा को लेकर कई मान्यताएं और दंत कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी और पाताल तक जाने का आदेश दिया ताकि भगीरथ के पूर्वज और सगर के पुत्रों के आत्माओं की मुक्ति संभव हो सके। तब गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी इतना वेग कैसे सह पाएगी। इस समस्या को दूर करने के लिए राजा भगीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया और फिर महादेव ने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वो धारा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहां सागर के पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वीवासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। हालांकि इस कथा को राजा रवि वर्मा ने अपनी पेंटिंग के जरिए बेहतरीन तरीके से उकेरा। महाभारत काल में भी गंगा शांतनु के वचन की कथाएं प्रचलित हैं और इसी महाभारत काल में भीष्म के जरिए गंगा को और करीब से जान पाए। कई कहानियों और कथाओं को अपने दामन में समेटी गंगा आज इंसानी गलतियों की वजह से थोड़ी थोड़ी मैली जरूर हो गई है, लेकिन वक्त की ढलती शाम तली वो दौर भी आएगा जब गंगा की धारा एक बार फिर निर्मल और स्वच्छ दिखाई देने लगेगी। हृदय के सारे ख्वाब शांत हो जाते हैं जब जब गंगा की आवाज आती है। बात सिर्फ गंगा को स्पर्श कर महसूस करने की है, जो हमें सुकूनी दरवाजे के पार ले जाती है। तो करते हैं ना महसूस, क्योंकि ये नदी नहीं संस्कार है गंगा, धरती की श्रृंगार है गंगा। गंगा तो गंगा है, सब स्वीकार करती रहेगी, प्रार्थना भी पाप भी। बस गंगा की इतनी सी कहानी थी।